आपका अपना यूट्यूब चैनल वंडर ट्रीज में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। नया साल आने वाला है, बस कुछ ही घंटों में ये नज़ारा है पूरी सी बीच का जो जगन्नाथ धाम है। आज का जो पौधा है उसका नाम है कैलेंचो। तो ये है थाईलैंड से आया हुआ, अभी नया नया इंडिया में आया है, ऐसा मुझे नर्सरी जहां से हम इसे खरीदे हैं वो बोल रहा था। तो मेरे ख्याल से पेड़ पौधों के नाम से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए कि उसकी खूबसूरती से हमसे हमको मतलब होना चाहिए। मैं तो प्यार से इन लोगों को पेट बोनसाई बोलता हूँ, जो कि छोटे बन जाते हैं। ये तो पहले से ही बोनसाई बना हुआ है जो रेडीमेड बाजार में आपको मिल जाता है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसको लाके रिपोटिंग करना है। अपने हिसाब से एक पॉट चुनिए, फिर उसमें आप रिपोटिंग कर लीजिए ताकि आपके घर के अंदर जहां भी आप रखेंगे उसे वहां आपको कोई गंदगी ना हो। और आज के लिए हम चुने हैं ये पॉट। ये ट्रांसपेरेंट है, इससे सहूलियत यह होता है कि अंदर जो भी हलचल हो रहा है, जो भी कुछ बढ़ता है, कुछ होता है, कहीं से कहीं कुछ सड़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, वो हर चीज का हमको सामने से नजर आ जाता है। तो अब शुरू करते हैं। पहले हम पॉट लिए, फिर उसमें जो थोड़े बहुत कंकरनुमा है बड़े बड़े उसे डाल देते हैं। वो जो छेद के ऊपर, जो होल के ऊपर पहले जो था कि उसमें कुछ वो देना पड़ता है, कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। छेद जो है उसको छोटा कीजिए और जो उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो नंबर होती है उसको ज़्यादा कीजिए। यानी कि दो की जगह आप चार छेद कीजिए और छोटा कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो वो जो हम बोले वो डालना नहीं पड़ता है, जो रोकने के लिए लगाया जाता है कि ताकि हमारा जो पॉट में हमारा दे दिए हैं जो खाद, जो मिट्टी, वो सब बाहर ना चला जाए, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये लाइट होगा, वो उसको डालने से थोड़ा तो 2 ग्राम हो वो बढ़ भी जाएगा उसका वेट, तो ये हो गया आपका तैयार। अब हम इसे पॉट से निकाल लेते हैं। देखिए ये भी वैसे ही स्टाइल से बना हुआ है, जैसे ये अब हम पॉट से निकाल लिए हैं और उसे अभी हमारा जो सिलेक्ट हुआ किया हुआ है पॉट उसमें डालेंगे। और अभी हम उसमें डाल दिए, अब ये थोड़ा अब ऊपर जो है उसमें झूरा मिट्टी दीजिएगा ताकि उसमें बड़ा कंकरनुमा पत्थरनुमा कोई चीज ना रहे। ट्रांसपेरेंट डब्बा लेने से क्या होता है, उसमें आपका जो पेड़ का, पौधे का जो नीचे कार्यक्रम चलता है उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाती है। और ये ज़्यादातर ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलता है कि नीचे क्या हो रहा है पेड़ का, कौन सा सूट उसका बढ़ रहा है, कौन सड़ रहा है। तो इससे क्या है, अब इसका सूट निकलेगा तो ये हमको इधर बाहर मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये सहूलियत है, इसीलिए हम ये चीज चुने हैं। इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ एक पॉट से खाली करना होता है और दूसरी पॉट में डालना होता है। वो पॉट जो फैंसी होता है हमारे लिए, हम समझते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है तो वही पॉट हमको लेना चाहिए। अब थोड़ा उसको टाइट तो करना ही है ताकि उसका पकड़ जो है वो ठीक से बना रहे।
ये थाईलैंड से नया नया आया है, ऐसा हमें नर्सरी का जो मालिक है वो बताया है, लेकिन हमें कुछ खास कहीं पढ़े नहीं है, कहीं देखे नहीं है कि थाईलैंड से आया या बैंकॉक से। फिर भी हमको तो भरोसे करना पड़ता है, दुनिया भरोसे के ऊपर चला है। तो फिर इसका नाम है कोलेंचो, कोलेंचो। तो ये काफ़ी मोटे इसके जो पत्ते होते हैं, आप देखिए काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी मोटे हैं। और इसको जो है इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, यानी कि ये बना बनाया इंडोर प्लांट ही है, ये बना बनाया इंडोर प्लांट ही है, जिसे आप हमेशा रख सकते हैं घर के अंदर, कहीं बरामदे में, कहीं धूप अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम पानी देंगे और उसको थोड़ा और सजाएंगे, फिर एंजॉय करेंगे। अब ये आपका तैयार है। अब आप देखिए, अब यहां जो हरकत होगा इसके अंदर, ये हमको बाहर से ही मालूम पड़ जाएगा कि अगर मिट्टी गीला है या अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता, सब्सक्रिप्शन में भी पैसा नहीं लगता। आप थोड़ा फेवर कीजिए, मेरा हौसला बना रहे आपके सामने ऐसे ही खूबसूरत फूलों को कैसे और भी खूबसूरत तरीके से हम घर में रख सकते हैं, इंडोर प्लांट बना सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो तब तक के लिए जय जगन्नाथ। नया साल का फिर से आपको हमारी तरफ से, वंडर ट्रीज की तरफ से बहुत 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 हैप्पी हैप्पी विशेस। तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़।